बेब्लेड जनरेशन एक्स के बारे में आज से कुछ ही दिन पहले मैंने जो एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोग ऐसे हैं जो पूछ रहे हैं कि अगर बेब्लेड एक्स का मीनिंग होता है क्रॉसओवर, तो इसका मतलब मल्टीवर्स के कुछ तो चांसेस होंगे ही होंगे, और अगर मल्टीवर्स हुआ तो भाई पुराने जनरेशन के ओल्ड कैरेक्टर्स तो हमको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन तुम सबका क्वेश्चन ये है, ओल्ड जिंदा कैरेक्टर्स तो देखने को मिलेगा, लेकिन क्या ओल्ड डाइड कैरेक्टर भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, आप समझ गए होगे, यहाँ पर बात हो रहा है रायुगा की। तो यार बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम में भी आकर पूछ रहे हैं कि एक्स का मीनिंग अगर क्रॉसओवर हुआ तो सारे ओल्ड कैरेक्टर्स तो दिखेंगे ही, लेकिन जिस कैरेक्टर्स ने अपने ही जेनरेशन में सैक्रिफाइस कर दिया था लाइक रायुगा, क्या वो भी इस जेनरेशन एक्स में हमको देखने को मिलेगा? तो यार कभी कभी आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, मतलब मुझे भी मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है कि बात तो आप लोगों ने सही कही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा उलझन में भी डाल दिया है इस क्वेश्चन ने। इस क्वेश्चन का आंसर जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, क्योंकि रायुगा जिंदा है या मर गया है इसके ऊपर बहुत ही सारे डिबेटेबल क्वेश्चंस और थ्योरीज ऑलरेडी सोशल मीडियाज पे मौजूद है। तो यार आज मैं आप लोगों को मेरे ओपिनियन से एक ऐसा आंसर देने की कोशिश करूंगा जो आपके थॉट को क्लियरिफाई कर सके और आपके इस उलझन को भी दूर कर सके। तो चलिए अब आइए मेरे साथ और शुरुआत करें इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमको ये देखना होगा थ्योरीज के ऊपर और ऑफिशियल बातों के ऊपर गौर करके कि रायुगा जिंदा है या फिर नहीं। अगर रायुगा जिंदा नहीं रहा तो उसके जनरेशन 4 में आने के चांसेस बिल्कुल कम है, लेकिन अगर रायुगा जिंदा रहा तो वो जनरेशन एक्स में जरूर आएगा। तो चलिए देखते हैं आज आप सब लोगों के सामने हिसाब करके कि रायुगा जिंदा है या फिर नहीं। तो समय को सराहों पर रखते हुए अपने इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यार सोशल मीडिया पे बहुत सारे थ्योरीज ये कहते हैं कि रायुगा अपना पावर केंटा को देने के बाद वो खुद केंटा के बेब्लेड स्लैश सेजिटेरियो के अंदर चला गया था, या फिर रायुगा अपने टेलीपोर्टेशन पावर के जरिए वहां से टेलीपोर्ट होके कहीं चला गया था, क्योंकि हमने रायुगा को टेलीपोर्ट होते तो कभी नहीं देखा, लेकिन वो एक्चुअली टेलीपोर्ट होता है, लेकिन उसको होते हुए कभी नहीं दिखाया, लेकिन वो टेलीपोर्ट होके ही इधर उधर जाता रहता है, इसका एक प्रूफ है और इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया था बहुत दिन पहले। रायुगा टेलीपोर्ट तो होता है लेकिन किस तरीके से होता है, वहाँ पे एक बिजली गिर जाती है लेकिन रायुगा का बॉडी का साथ क्या होता है ये हमको नहीं दिखता, वहाँ पे एक बिजली गिरती है और रायुगा गायब। तो मुझे लगता है एक ऐसी थ्योरी ऐसी भी घूम रही है कि रायुगा कैसे टेलीपोर्ट होता है बिना बिजली को बुलाए, वो ऐसे टेलीपोर्ट होता था जैसे बेब्लेड मेटल फ्यूरी के उस एपिसोड में रायुगा डिसअपीयर हुआ था। ऐसा माना जाता है कि रायुगा कहीं और चला गया है और वहां जाकर वो अभी भी जिंदा है, और तो और बहुत सारी थ्योरीज ये कहती हैं कि रायुगा उस एपिसोड में डेड हो चुका था या फिर मर चुका। तो यार ये सब बस थ्योरीज हैं। इसके ऊपर जब बेब्लेड के ऑफिशियल राइटर मांगा राइटर ने जब वीडियो बनाया तो उन्होंने कहा था उन्होंने रायुगा को उस एपिसोड में नहीं मारा था उनके मांगा में, वहां पे रायुगा जिंदा था, लेकिन एनिमेशन स्टूडियो ने जब अपना स्क्रिप्ट लिखा था तो उस सीन में उन्होंने रायुगा को वहां पे डिसअपीयर कर दिया था, और इसके ऊपर वो लोग बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन भी नहीं दिए कि रायुगा वहां से डिसअपीयर होके कहां गया या फिर वो मर गया, ऐसा कुछ नहीं लिखा था उन्होंने स्क्रिप्ट में, और ठीक वैसा ही हमको एनिमेट होकर भी देखने को मिला। बेब्लेड मेटल के राइटर टकाफुमी अडाची ने यह कहा है कि मैंने अपने मांगा में रायुगा को जिंदा ही रखा है, लेकिन एनिमेशन स्टूडियो ने ऐसा फैसला क्यों लिया वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा आज कि उनके लगता है कि एनिमे स्टूडियो वालों ने रायुगा का इतना सस्पेंस वाला एंडिंग इसीलिए दिया ताकि वो एपिसोड और वो कैरेक्टर बेब्लेड फैंस को बहुत दिनों तक याद रहे। वो रायुगा को ऐसे याद करेंगे कि एक ड्रैगन एम्परर नाम का ब्लेडर हुआ करता था जो कि एक एपिसोड में सैक्रिफाइस भी कर दिया था, जिससे सीरीज के स्टोरी लाइन में भी एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो। अब ऐसा सुनाया जा रहा है कि बेब्लेड का सीजन 5 भी आने वाला था बेब्लेड मेटल का सोगन स्टील के बाद के स्टोरी लाइन हमको वहां पे देखने को मिलता और वहां पे रायुगा को फिर से वापस लाया जाता और फैंस बहुत ज़्यादा शौक हो जाते, तो इसीलिए उन्होंने बेब्लेड सोगन स्टील में ही बहुत सारे रायुगा के रेफरेंसेस और बहुत कुछ ऐड किया था रायुगा के ऊपर, जैसे कि आप सैकियो के पीछे भी रायुगा को देख सकते थे, झिंगा ने रायुगा का नाम बहुत बार मेंशन किया है, और सोगन स्टील के एंडिंग सॉन्ग में वहां पे एक ड्रैगन का क्लाउड देखने को मिला था जो कि रायुगा को फोरशैडो करता है। इन सब रेफरेंस के साथ वो सीजन 5 में रायुगा को फिर से कमबैक कराने वाले थे, लेकिन सीजन 5
कभी नहीं बन पाया क्योंकि उसके बाद बर्स्ट जनरेशन यानी कि जनरेशन 3 आ चुका था। तो एक तरफ से हम बोल सकते हैं कि बेबलेन मेटल की यूनिवर्स में अभी रायुगा नहीं है क्योंकि सीजन 5 की स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए रायुगा भी अभी बेबलेन मेटल की यूनिवर्स में अवेलेबल ही नहीं। अगर सीजन 5 आ जाता और रायुगा का एंट्री भी हो जाती तो हम वो स्टोरी लाइन देख पाते कि कैसे वो रायुगा को वापस लाते, किस थ्योरी के ऊपर वो रायुगा को लाते। लेकिन वो स्टोरी लाइन ही नहीं आई तो हम नहीं बता सकते कि रायुगा अभी भी जिंदा है या फिर मर गया है। हम इतना कह सकते हैं कि रायुगा इज नॉट अवेलेबल। लेकिन आप सोचोगे नॉट अवेलेबल का मतलब ही तो है कि वो मर चुका है। तो जी हाँ गाइस, आप एक तरफ से ये बात भी सही कहे हो। सो इससे हमें सीधा क्लियरिफाई हो जाता है कि रायुगा का जनरेशन एक्स में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। 90% चांसेस है कि रायुगा जनरेशन एक्स में नहीं आने वाला, लेकिन फिर भी 10% होप बचा के रखो क्योंकि मैंने कहा है नॉट अवेलेबल, वो आने वाला था लेकिन नहीं आया। यही तो एक चीज सस्पेंस में डाल देती है कि नॉट अवेलेबल से ही कोई नए जनरेशन आए तो अगर क्रॉसओवर हो तो वहां से उसको लिया जा सकता है। अगर पूरा का पूरा डेड दिखा देते तो वो नहीं ले पाते, लेकिन उसका कोई कंफर्म मरने वाला सीन तो हमको नहीं दिखाया गया है। यही तो वो हमको उलझन में डाल देता है। लेकिन फिर भी हम गौर से सोचे तो 90% चांसेस ही है कि रायुगा जनरेशन एक्स में नहीं आएगा। तो यार आप सभी का शुक्रिया मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो और रायुगा फैंस थोड़े गुस्से भी हो गए हो कि रायुगा जनरेशन एक्स में नहीं आने वाला, तो यार चिंता मत करो, आ सकता है। 10% चांसेस के साथ तुम होप रख के इस वीडियो को लाइक कर सकते हो यार, और कमेंट में बताओ अपना ओपिनियन। आजकल तुम लोग कमेंट भी नहीं करते, चलो यार आज एक कमेंट का एम रखते हैं। एम करता हूँ 200 कमेंट्स का। तो स्पैम मत करना, अलग अलग कमेंट करना और अपना ओपिनियन भी जरूर बताना। और एक लाइक का भी एम कर देता हूँ 500 लाइक्स का। तो मुझे होप है कि आप लोग 500 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और हमें भी पहुंचा दो 50K सब्सक्राइबर्स तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।